लालकुआ में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल हल्दू चोड़ और इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष खीम सिंह बिष्ट, महामंत्री जीवन पांडे सहित सभी पद अधिकारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद सभी सदस्यों को सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र सौंपे गए। वहीं कार्यक्रम में एडवोकेट बसंत जोशी, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जोशी सहित कई ग्राम प्रधान और व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। लालकुआ से संवाददाता मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। आमंत्रण दिया था, उनका शपथ ग्रहण समारोह था, उल्लास का अवसर था। नई इकाई बनी है और लगता है कि हमने तो कहा कि जो इकाई बनती है वो निश्चित रूप से व्यापारियों के हित में काम करेगी। व्यापारियों की समस्याएं आएंगी तो उनका निराकरण करेगी और सरकार और शासन से जहाँ सहयोग हुआ हम सब उसको पूरी तरह उनका साथ देंगे। एक महीने से हम लोग की चुनाव प्रक्रिया हो रही है, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया हुई और उसमें हमारे सभी व्यापारी भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसी के फलस्वरूप आज शपथ ग्रहण समारोह था। एक हमारा नारा है संगठन का, एक संगठन मजबूत संगठन, तो इसी नारे को आगे लेते हुए अपनी व्यापार मंडल से, अपने क्षेत्र से और व्यापार मंडल द्वारा जो भी बुराइयाँ कुरीतियाँ उनके खिलाफ हम खड़े होंगे और उनको दूर करने का हमने ऐसा एक संकल्प लिया। इसके अलावा हुआ मुमती से लेकर तीन पारी का संगठन बना, बहुत अच्छा संगठन बना है, सशक्त संगठन बना है और हमारा व्यापार मंडल का उद्देश्य यही रहता है कि हम व्यापारी के साथ उपभोक्ता भी हैं, इसलिए उपभोक्ताओं का अच्छा सेवा देना हमारा कर्तव्य है। नकली माल, नकली मावा, नकली दवाइयाँ, नकली चीज़ें बेचने का हम विरोध करते हैं और स्वच्छ हमारा देवभूमि पूरे उत्तराखंड के अंदर अच्छा चल रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं। हल्दू चोड़ इकाई तो बहुत मजबूत इकाई बनी हुई है।